सुप्रभात। कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 26। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसके प्रचार के माध्यम से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसको क्या क्या फ़ायदा होता है, आइए हम जानते हैं। तो विज्ञापन शब्द है वो वी, जो मैंने बताया कि विज्ञापन है वो वी है, वो उपसर्ग है, वी क्या लगा हुआ है आगे। ज्ञा क्या है, धातु। धातु मैंने आपको बताया था जो मूल होता है, वो जो मूल शब्द जिससे के कारण जो शब्द बनता है वो धातु कहलाती है। तो जो ज्ञा है वो धातु है, और इसके पीछे जो पन लगा है, पन क्या होता है, प्रत्यय, तो पन प्रत्यय है। अब उपसर्ग क्या था, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो शब्द के आगे लगते हैं और शब्द के आगे लगते ही उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और जो शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ और उसके अंदर बदलाव करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। अब देख लो, उन्होंने बताया वी, विज्ञापन में पहला जो वी है वो उपसर्ग है। अब वी का अर्थ था विशेष, जैसे आपने विज्ञान पढ़ा होगा, विज्ञान विशेष ज्ञान रखने वाला, तो वी का अर्थ होता है विशेष। और जो ज्ञा धातु है उसका अर्थ है ज्ञान या जानकारी, ज्ञान या जानकारी। जो आपके पास ज्ञान है, आप कितना आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, उसके बारे में बताया गया है। फिर आगे बताया है विज्ञापन में किसी वस्तु या संस्था को विशेष ढंग से ज्ञापित किया जाता है। जो भी कंपनी है, संस्था का मतलब कंपनी, जो बड़ी संस्था है या कोई वस्तु है, उसको लोगों के सामने किस प्रकार पेश करना है, किस प्रकार उसको दर्शाना है, ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षक हो और ज़्यादा प्रभावित होने के कारण उस प्रोडक्ट को, उस वस्तु को खरीदने की ओर अग्रसर हो, अर्थात विशेष जानकारी दी जाती है। विज्ञापनों द्वारा ही आज के युग में अधिकांश व्यापार चलता है। अब विज्ञापन है, अब विज्ञापन जो है जिसको अपन क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, एडवर्टाइजमेंट, जो आपने देखा होगा टेलीविज़न के अंदर बहुत सारी आती है, रेडियो के अंदर आती है, या आप आजकल मोबाइल ले लो, मोबाइल के अंदर जो भी आप चलाते हो उसके अंदर भी बहुत पहले ही सबसे पहले क्या आती है, विज्ञापन ही आता है। तो इसके प्रचार के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जाता है और उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इन्होंने यही बताया कि विज्ञापनों द्वारा आज के युग में अधिकांश व्यापार चलता है। जो ये विज्ञापन होता है उसी के द्वारा सबसे ज़्यादा व्यापार चल रहा है। जो बड़ी कंपनी है, जो वस्तु जो निर्माण करती है, वो उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जिसके कारण लोग उनके पीछे पागल हो जाते हैं और उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। आज के युग के लिए विज्ञापन एक कला नहीं बल्कि एक सफल और लाभदायक व्यवसाय बन गया है। अब इन्होंने क्या बताया कि आज के युग में जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में है वो है विज्ञापन जो है वो क्या है, एक कला नहीं है। कला क्या होता है, जो किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को इतने अच्छे तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करना कि उसके अंदर उसके गुण बताए जाते हैं, ठीक है, और उस गुण को है जो अपने स्वास्थ्य या अपने लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। अब जो विज्ञापन होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ उसके गुण ही बताता है, उसकी हानियाँ नहीं बताता है। अब आपने कोई भी देख लिया होगा, जो जैसे आप टेलीविज़न देख रहे हो, टेलीविज़न के अंतर्गत आप मान लो है किसी पेस्ट की आ गई, कॉलगेट है दंत क्रांति है, और मान लो पेप्सोडेंट है, ये आ गया, तो सब उसकी अच्छाइयाँ ही बताते हैं, उसकी होने वाली हानियाँ नहीं बताते। अब आपने देखा, और उसको इस प्रकार से लोगों के सामने बताया जाता है, दर्शाया जाता है कि लोग प्रभावित होते हैं। रियल में ऐसा होता है, वास्तविक ऐसा होता है, तो ये बताया गया और एक सफल व्यवसाय बन गया। और उसके माध्यम से जो ये विक्रेता होते हैं उनकी जो वस्तु है बहुत ज़्यादा मात्रा में है वो बेची जाती है, और उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। अब विज्ञापन लिखते समय ध्यान देने की बातें क्या क्या है, जब भी विज्ञापन लिखा जाता है तो उसको ध्यान देने के लिए क्या विशेष बातें क्या है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए, तो उन्होंने बताया विज्ञापन में शुद्ध, सरल, स्पष्ट व भावपूर्ण भाषा का प्रयोग करें। विज्ञापन कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए,
सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, और कैसा होना चाहिए, भावपूर्ण, यानी उसके अंदर ऐसे जो मैंने बताया था भाव के अंदर क्या होता है, जो आप महसूस करते हैं, हाँ देखते ही अपन को लगता है नहीं रियल में ऐसा होता है, तो उसके अंदर भावपूर्ण जो भाषा है उसके शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण विज्ञापन और भी आकर्षक बनता है और भी महत्वपूर्ण बनता है। विज्ञापन लिखने से पहले उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखना चाहिए, और विज्ञापन जब भी लिख रहे हैं, जब भी विज्ञापन कर रहे हैं, तो अपन लोगों के जो भलाई के बारे में सोचना चाहिए और उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है लोगों को, उस फायदों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, फिर उपभोक्ता को जो बेचने जो खरीदने वाला है उपभोक्ता, उसको क्या क्या लाभ होगा उसको ध्यान में रखते हुए उसको लिखना चाहिए विज्ञापन को। फिर बताया विज्ञापन में जनसाधारण को भ्रमित न करने वाली बातें हो, भ्रम में डालने वाले नहीं होने चाहिए, कि उसको नुकसान नहीं होने चाहिए, ये है जो जनसाधारण जो भी आम मनुष्य है वो उसके अंदर किसी परेशानी में नहीं आए, वो लिखा हुआ होना चाहिए स्पष्ट। फिर बताया विज्ञापन में सभी जानकारियाँ सही व सच होनी चाहिए, जो भी आप विज्ञापन कर रहे हो, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो दूरदर्शन पर टेलीविज़न में, वो कैसे होने चाहिए, सत्य होनी चाहिए, सच होनी चाहिए, लोग को नुकसान नहीं होना चाहिए बल्कि उससे लोगों को भलाई और हित में लाभ होना चाहिए। फिर बताया विज्ञापन में वास्तविक बातों को ही लिखें, और विज्ञापन में जो सही बातें जो सटीक बातें हैं वही बातों को लिखना चाहिए, अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए, जो काम की नहीं हो वो नहीं लिखनी चाहिए। फिर बताया विज्ञापन देश के कानून के अनुरूप हो, जो भी विज्ञापन बनाया है वो अपने देश का जो है भारत का जैसे कानून है उस कानून के दायरे में रहते हुए उसके अंदर रहते हुए कार्य करना चाहिए और उसी के अनुसार होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, नैतिक मूल्य होते आपने पढ़ा होगा जो लोगों के लिए सही होना चाहिए वो होने चाहिए और धार्मिक भावना को ठेस नहीं पाना चाहिए। अपने भारत के अंदर आपने देखा होगा विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, तो किसी भी जाति या किसी भी धर्म को उसको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उसको है किसी प्रकार का उनके अंदर भेदभाव नहीं आना चाहिए विज्ञापन के माध्यम से। फिर बताया विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है कि विज्ञापन होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, तो इसका बताया उत्पाद की विशेषताओं को की ओर ग्राहक को आकर्षित करना, जो कंपनी है जो विक्रेता है जो वस्तुएं बना रहे उस वस्तु को देखकर जो भी ग्राहक होते खरीदने वाले लोग उसकी ओर आकर्षित होने चाहिए, उसकी ओर झुकाव होना चाहिए कि देखते ही हाँ उनको लगे कि रियल में ऐसा है तो वो सारी चीज़ें तो ये होनी चाहिए पहली बात। तो दूसरी बात बताया उत्पाद के संबंध में अपने मत की पुष्टि करना, अब जो भी उत्पाद आप खरीद रहे हो जो भी वस्तु खरीद रहे हो उसके संबंध में आपके क्या विचार है, उस विचार जो आप भी खरीदने गए जहाँ विक्रेता के सामने उसके आपके मन के अंदर जो विचार है उसके सामने पेश करें, अब वो आपको संतुष्ट करेगा इस बारे में कि नहीं नहीं ये सही है ये ऐसा है, आपको सारी उसकी चीज़ें बताएगा, उसके लाभ बताएगा और नुकसान भी बताएगा, आपसे आपको इसका कोई नुकसान नहीं है, आपके इसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, प्रभाव कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके मन के अंदर जो विचार होते वो उसके सामने पेश करना ताकि आप उससे संतुष्ट हो सके। फिर बताया अपने विरोधियों के तर्कों को काटना, और जो आपके खिलाफ होते हैं जो आपके विपरीत होते हैं उनके जो तर्क देते हैं उसकी अच्छाइयाँ बताएं, तो आप उसके अच्छाइयों को पहले आप काटो और उसके जो चीज़ हो उसका जो नुकसान नहीं हो जो दुष्प्रभाव नहीं हो वो पूछना चाहिए, तब आप उसका विज्ञापन जो है एक अच्छा बन सकता है इसलिए आ सकता है। फिर यह विकास संबंधी कार्यक्रमों की सूचना देना, अब जो जो आप विकास कर रहे हो उससे संबंधित सूचनाएँ जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो बतानी चाहिए इसके अंतर्गत कि हाँ ये इससे ये फ़ायदा होगा और ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फिर बताया जनमत जागृत करना, और इससे क्या होगा जितनी भी जनता है जितने भी लोग हैं वो कैसे होने चाहिए, जागृत होने चाहिए। जागृत का अर्थ मैंने कल बताया था, जागृत अवस्था में होना यानी उस चीज़ से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए उससे उसको फ़ायदा होना चाहिए, और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, अब जब जागृत व्यक्ति होगा तभी ये सारे इस प्रश्नों जो विक्रेता होता है जो संस्था होती है उसी से प्रश्न कर पाएगा, और जब प्रश्न करेगा तभी तो वो संस्था या विक्रेता होता होगा जो उसका उसके सामने प्रश्नों का उत्तर देगा, और प्रश्नों का जब उत्तर देगा उससे व्यक्ति क्या होगा संतुष्ट होगा ग्राहक। जैसे इन्होंने बताया इसका जर्मी फॉर्मूला दांतों के अंदर छिपे कीटाणु को धो डालता है, पेप्सोडेंट का बताया, पेप्सोडेंट की कितनी ऐड आती है आपको पता ही है, हैं जैसे वो पेप्सोडेंट करते हो दांत मजबूत बन जाते साफ हो जाते और जो कीटाणु अंदर होते हैं वो साफ हो जाते। इसी प्रकार दो मैंने विज्ञापन आपके बोर्ड के ऊपर बनाए, मान लो आप
आपने देखा होगा कि जो जगह जगह सेल लगते हैं, ये कई दुकान का मान लो आप नाम, मैंने ऐसे ही अपनी इच्छा से बनाया कि ये नाम है। अब उसके अंदर क्या बताया, सेल सेल सेल। अब सेल का नाम सुनते ही लोग क्या करते हैं, भागने जाते कुछ उसकी तरफ, वहाँ देखने जाते सारी वस्तुएं, और जो वस्तुएं देखने जाते और उसके अंदर उनको पसंद आती है तो ख़रीदते, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा। जैसे उन्होंने बताया आपके शहर में पहली बार आपने देखा होगा विज्ञापन के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, उसके अंदर ये सारे लिखे होते हैं कि कपड़ों की खरीद पर भारी छूट। जैसे आपने देखा होगा कि एक के साथ एक फ्री, हाँ 50% ऑफ, 50% है। जैसे मान लो 750 का जो है एक ड्रेस है तो आपको 350 में ही मिल रहा है, तो लोग क्या होंगे उसकी तरफ आकर्षित होंगे, इतने कम में मिल रहा है और इतना अच्छा मिल रहा है तो लोग वहाँ जाएंगे, देखेंगे नहीं नहीं कपड़ा भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, गुणवत्ता भी अच्छी है, तो अपन खरीदने की कोशिश करते हैं। फिर बताया जैसे स्थान बता दिया कि उस स्थान पर है, स्थान भी बता दिया, तो इन्होंने बता दिया कि जैसे इस सेल का नाम सुनते लोग पहले उसकी तरफ भागते वहाँ जाते हैं कितने अत्यधिक मात्रा में। अब उससे क्या होता है, उस कंपनी को फ़ायदा होता है, जितना विक्रय होगा माल उसको कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा, और जब ज़्यादा फायदा होगा तो लाभ किसको मिलेगा, उनको, और इसके वजह से कंपनी को तो फ़ायदा हो ही रहा है साथ में ग्राहक को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये बताया। दूसरा मान लो एक और बता लिया कि भारी बचत, जैसे आप दीपावली का आपने देखा होगा, दीपावली का होली का त्यौहार जो कोई भी आ रहा है उसके ऊपर बता दिया कि ऑफ़र, जैसे ये किसी मैंने अपनी मर्ज़ी से ही बताया, जैसे किसी दुकान का नाम बता दिया। फिर बताया कि भारी छूट, जैसे घर की जो जितने भी रोज़मर्रा के अंदर जो प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, घर के अंदर जो काम में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर बता दिया भारी छूट 20 से 50% तक। आपने देखा होगा कि घर का सामान लेने जाते हैं उसमें बता दिया 20 से 60% 50% तक छूट होती है। और उसने बताया आगे जैसे दीपावली के विशेष अवसर पर, जैसे दीपावली का अवसर है, होली का अवसर है, रक्षाबंधन का अवसर है, तो उनके ऊपर आपने देखा होगा कि हर चीज़ के अंदर क्या ऑफ़र आते हैं नए नए, और नए नए ऑफ़र आने के कारण क्या बताया जाता है। फिर आपने देखा होगा किसी के साथ कोई वस्तु फ्री होती है, जैसे मैंने ही लिख दिया ऐसे पेस्टीज जो कुकर होता है उसके साथ 6 गिलासों का सेट है वो फ्री हो गया। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो चीज़ें होती है वो बताई जाती है। और भी जैसे आप और सामान खरीदने गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने गए तो आपने मान लो फ्रिज खरीद लिया, फ्रिज के साथ आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक वाले ने आपको प्रेस दे दी फ्री में साथ में, तो ये ऑफ़र होता है। ये लोगों को आकर्षित करने का, ग्राहकों को आकर्षित करने का एक तरीका होता है, जिसके कारण उनको भी फ़ायदा होता है, कंपनी को भी, और साथ में ग्राहक को भी फ़ायदा होता है। और उसके अंदर उसकी जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो बताई जाती है, उसकी गुणवत्ता बताई जाती है कि इसके अंदर क्या क्या इसकी विशेषता होती है, किस प्रकार अपनों को लाभ देगी, ये फ़ायदे सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई जाती है। अगर मान लो आपको इसके अंदर कोई चीज़ की कमी रहे, कोई समझ में नहीं आए, तो मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।